सब्सक्राइब कर लीजिए डीआईवाई दिव्या चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं किचन के जो कंटेनर होते हैं उनको किस तरीके से क्लीन करती हूँ। ये मेरे सारे किचन के कंटेनर हैं जिनको मैंने एक साथ रख लिया हुआ है, और इनमें से कुछ खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं, और जो कुछ हैं उनमें थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये भरा हुआ है, पूरा फुल है। और क्योंकि हमेशा इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारा एक एक डब्बा खाली हो जाए पूरा, और कंटेनर को साफ़ तो करना ज़रूरी है, उसके लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि सारे एक एक कंटेनर खाली हो जाए तब हम क्लीन करें। क्लीनिंग तो टाइम टाइम पर होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी कंटेनर होते हैं उनको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। एकदम खाली है उनको मैं एक तरफ कर लेती हूँ, और जो थोड़े बहुत जिनमें सामान है उनको मैं एक तरफ कर लेती हूँ, और जो पूरे भरे हुए कंटेनर होते हैं उनको मैं एक साइड में रख लेती हूँ। जैसे कि ये कुछ खाली कंटेनर है मेरे, और इन वाले कंटेनर में थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि आप देख सकते हैं उधर भरे हुए कंटेनर रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो थोड़ा बहुत सामान है सबसे पहले मैं उसको एक प्लेट या जो भी छोटी मोटी कटोरी है उनमें निकाल करके रख लूँगी सारे सामान को। इस तरीके से मैं करती हूँ तो क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो भी थोड़ा बहुत सामान था कंटेनर में उसको निकाल करके अलग रख लिया है, और इसको मैं अलग रख दूँगी। और फिर मैं जो ये खाली वाले कंटेनर हैं उसको सबसे पहले क्लीन करूँगी, और शुरुआत की मैं कांच के कंटेनर से करूँगी, जिससे कि ये कंटेनर में मिक्सअप ना हो जाए। और क्योंकि टूटने का डर रहता है, तो जितने भी कांच के कंटेनर होते हैं, जितने भी हैं, पहले मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। और कंटेनर को क्लीन करने के लिए मैं जो नॉर्मल डिश वॉश होता है जिससे हम बर्तन धुलते हैं, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने कुछ अलग से सॉल्यूशन नहीं बनाया है फ़िलहाल, क्योंकि ये जो कंटेनर है मैं टाइम टाइम पर क्लीन करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, तो इस वजह से मैं नॉर्मल जो डिश वॉश होता है उससे क्लीन कर रही हूँ। तो मेरे कांच के कंटेनर क्लीन हो चुके हैं, इनको मैं अलग रख दूँगी जिससे कि वो सेफ़ रहें। उसके बाद मैं सारे जो प्लास्टिक के खाली कंटेनर इनको मैं क्लीन कर लूँगी। तो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कंटेनर हो गए हैं, जब मैं इनको इधर काउंटर पे रखूँगी तो इनमें से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। मैं धुल धुल कर जल्दी जल्दी ऐसे रखती जाऊँगी। तो इसके लिए मैं क्या, जो मेरा ये किचन काउंटर है इस पर मैं एक पुराना साफ़ कपड़ा बिछा लूँगी, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो काउंटर टॉप पर ना फैले, जिससे काउंटर टॉप भी साफ़ रहेगा, सूखा रहेगा, और जो मेरी ज़मीन है वो भी साफ़ रहेगी। क्योंकि फिर ऐसे अगर मैं कंटेनर डायरेक्ट रखती हूँ तो जो पानी है वो धीरे धीरे बहते बहते ज़मीन पर भी आ जाएगा, तो पूरी किचन में मैस हो जाएगा, पूरी किचन गीली हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए एक मोटा साफ़ कपड़ा मैं नीचे बिछा लूँगी, जिससे सारा पानी वो सोख ले और मेरी किचन। मेरे सारे कंटेनर साफ़ हो चुके हैं। अब लास्ट में मैं जो इनमें सामान रखा हुआ था इनको मैं ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये ऊपर से भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो जब भी इन फ्यूचर खाली हो जाएंगे तो मैं इनको अंदर से भी साफ़ कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं इनको ऊपर से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। ये एयर टाइट कंटेनर है तो इनमें पानी नहीं जाएगा, तब भी मैं केयरफुली कर रही हूँ, डब्बे को एकदम सीधा रख करके ही मैं पानी से वॉश कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो सामान वाले कंटेनर हैं इनको मैं ऊपर से ही वॉश कर, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से देखती आई हूँ, मम्मी हमेशा ऐसे ही करती थी, जिनमें सामान होता था उन कंटेनर को भी क्लीन करती थी, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दें बाहर से भी, क्योंकि वो गंदे हो जाते थे, तो जब वो खाली हो जाते थे फिर उनको अंदर से भी साफ़ कर देती थी। मेरे सारे कंटेनर क्लीन हो चुके हैं। अब मैं एक अच्छा कॉटन का कपड़ा ले करके जो सामान वाले कंटेनर हैं उनको ऊपर से पोंछ दूंगी और उनको अपनी जगह पर तुरंत ही लगा करके रख दूंगी। देख सकते हैं कंटेनर अच्छे से क्लीन हो गए हैं, और साथ ही साथ जो इनके अंदर सामान है वो पूरी तरीके से सेफ है, एक बूंद भी जरा सा भी पानी अंदर नहीं गया हुआ है।
जो कंटेनर होते हैं उनको पूरी तरीके से सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम अपना खाने का सामान रखते हैं और ज़रा सा भी गीला अगर कंटेनर रह गया तो जो हमारा इसमें सामान रखा हुआ है, दालें, चावल या जो कुछ भी है, वो ख़राब होने लगेगा तुरंत ही। तो इस वजह से इनको पूरी तरह सुखाने के लिए, जैसे फ़िलहाल सर्दियाँ चल रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक कॉटन के कपड़े से और एक ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो पानी बहुत अच्छे से सूखता है, बारी बारी करके इसको पोंछती जाऊँगी। और अगर आप धूप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर धूप नहीं है तो आप इस तरीके से पोंछ करके इनको कुछ देर के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दीजिए, ऐसे कि जो ये कंटेनर है वो अच्छी तरीके से एकदम से सूख जाएंगे। तो बस यही था मेरा कंटेनर को क्लीन करने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।